इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान का कहना था कि तहरीके इंसाफ के कारकुनों को हरासा करना गैर इखलाकी और बुजदिलाना हरकत है जिस पर खामोश नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि इंतजार फैला तो हुकूमत डीरेल हो जाएगी। सारे मियां वाली से लेके मुल्तान लाहौर सारी जगह जाके आप लोगों से, आप खुद ट्रांसपोर्टर से पूछ रहे ये क्या कर रहे हैं। तो आप अगर ये हरबे इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको कह रहा हूँ जमहूरियत तब डीरेल होगी। चेयरमैन तहरीके इंसाफ का कहना था कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमकेएम भी धांधली की बात करती हैं। हमारा चार्टर ऑफ डिमांड इंतखाबी और जमहूरी अमल को फायदा पहुंचाएगा। मियां साहब, वक्त आ गया है कि न्यूट्रल अंपायर से खेलना सीखें। ये अंपायर हमेशा साथ अंपायर मिला के आप मैच खेलते हैं, जुमखाना से आपकी ये गलत आदत पड़ी हुई है। इमरान खान ने कहा कि लोगों की जिंदगियां हराम हैं और हुकूमत अपनी तशहीर के लिए जियो न्यूज को करोड़ों रुपए के इश्तेहार देकर कौम के टैक्स की रकम जाया कर रही है। लोगों की जिंदगी हराम कर दिया टैक्सेस लगा लगा के अवाम के ऊपर, महंगाई की इंतहा है। दूसरी तरफ अवाम के पैसे के ऊपर 4 मिनट का आप एड चला रहे हैं खौफ ज़दा हमारे से होके। चेयरमैन तहरीके इंसाफ ने वज़ीर आज़म की जानिब से चाय की दावत देने के अंदाज पर तनकीद की और कहा कि नवाज शरीफ ने दावत देना थी तो बराहे रास्त देते, लोग तो शादी कार्ड देने भी घर आते हैं। कैमरामैन तनवीर असलम के साथ टिका खान सानी, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।